पश्चात आप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया, जब आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु बोझ कह रहा है कि प्रभु बोझ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु बोझ है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब, और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, अगर आज आप किसी भी पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल यह है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है कि आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बहुत सारी शुगर थी, और मैं उसके पास गया और मेरे मोहल्ले में रहता था, मैंने उसको बोला कि आपको परमेश्वर के ज्ञान के पास आना है और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, लेकिन उसने जुड़ना ही ना चाहा, उसने मना कर दिया मुझे और वो गुस्सा करने लगा, और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो मर गया। और जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उसको काफी समय से, सालों से उससे ज्यादा शुगर रहती थी, और उसी समय वो आदमी बच गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज भी चर्च जाता है, आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां कह रहा है कि बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आप जब जुड़े हुए हैं आज रात परमेश्वर का प्रॉमिस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम, क्योंकि उसने इसराइलियों को कहा, मूसा को कहा, अगर तेरे लोग कह रहा मेरा भय माने, कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तोबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें, तो कह रहा है कि एक बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा दोबारा हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती है। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है, मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का। और लोग उस समय जुड़ते थे जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इसराइलियों को बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बार भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी, सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। योन्ना के 15:4 में देखें, हम देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहे कि वहां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर रहा है, तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का
परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है अगर आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो, मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा। आप प्रार्थना करेंगे आज से और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में और आशीष को देखेंगे आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो जुड़ने का फायदा है, अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आज रात के बाद। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ नहीं जुड़े, आप दादे परदादों पुरखों को सुनते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटे गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो जब आप किसी प्रार्थना योद्धा के साथ जुड़े हुए हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चर्च के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम जरूर करेगा और आशीष को देगा। कह रहा अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ कि देखो उसका भतीजा लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो आशीषित था, लेकिन जब लूत अपने चाचा से अलग हुआ अब्राहम से, तो उसी समय क्या हो गया, उसके बाद कह रहा उसकी जिंदगी में आशीषें नहीं शराप आए और प्रॉब्लम्स आई, उसके परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो लालची थी और उसी समय वो एक देश में चले गए और उसी समय यरीहो में जब वो गए, यरीहो की नगरी में, तो उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा था कि इसको निकाल ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अटैचमेंट रखता है उन लोगों के साथ। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक अटैचमेंट थी, और अब्राहम की पत्नी की जो है उसके भतीजे के साथ अटैचमेंट थी, और सारा की अटैचमेंट थी लूत के साथ, और इस वजह से अब्राहम परमेश्वर को बोलता था और परमेश्वर ने लूत के ऊपर भी ध्यान दिया। बेशक लूत की पत्नी उसके बच्चे गलत जगह चले गए, यरीहो की नगरी में चले गए, पैसा कमाने चले गए, बेशक पाप की नगरी थी वो। मैं कह रहा हूं जैसे बैंकॉक में आप जाते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि गंद मचा हुआ है, लोग वहां पर खुल्लम घूम रहे हैं, खुल्लम खुल्ला गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग मसीह लोग भी वहां पर अपना चर्च चला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आप अपनी अनॉइंटिंग को खराब ना करें, अपनी स्पिरिचुअलता को खराब ना करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं, और इसी समय यहां से निकलो फटाफट। और इसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे ये नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी, और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना, तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है, औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा, और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे, हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख बीमारी समस्या है और आप इसी समय आप बैकस्लाइड हो जाएं, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती है और बेकार हो जाती है। इसलिए आज भी वो बेकार है लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो उसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती है। इसलिए मैं प्रभु बोझ लेना जरूरी है, और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को करा के उसकी ताकत को लूज करता है, उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात। मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं, उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी आज से 52 दिन के अंदर, आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम। आपको बिलीव करना है कि हां परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं
मेरे पास बड़ी गवाही, एक औरत थी पंजाब से, और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रोफेट जी, हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं नहीं, कह रही कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है, और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिस्टी के साथ जुड़ी, और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया, और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं उसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था, सिस्टर मैंने तो इसके लिए तेरे लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये PBSM के साथ जुड़ी हुई है। PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ, तो आप सफल व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए हुए, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कराऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कराओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में, मसीह के नाम में आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा, कहता मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता, मैं क्या करूं कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता, कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा कि यहां पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहां पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों क्यों सूखता है वो, देखो आप स्क्रीन पर के वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी है, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग करा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए, और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था, और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया, और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला, और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यवक्ता का। तो आज आपको समझना है, कह रहा है कि ये कनेक्शन, कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं, और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहां से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहां पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा, कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भविष्यवक्ताओं की, कह रहा है इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा है जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा है आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा है कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं, परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि
यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहाँ पर क्लियर लिखा भजन संहिता, हाँ हाँ 2:8 में, करा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है परमेश्वर, कौन दे रहा है धन संपत्ति, कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है, परमेश्वर देता है, लेकिन मांगने के बाद प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात, आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला, आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला, आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला, आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है, कह रहा कब कब, जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है, जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसको उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया, और राजा बोलता है कह रहा है कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है और उसके कहने से अकाल हटा दिया, और इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने को पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं यीशु की सुनो, कह रहा है इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा है किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है सिर्फ इसकी सुनो, अगर आज आप इसकी सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कह रहा कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10:16-18 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है, आज आपको डील करना है कि परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बना कर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रोफेट जी कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू कह रहा उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना, और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8:8 में देखते कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिपुस को भेजा, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहे कि आनंद छा गया, मतलब जब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए। मतलब कि लोग सोते भी जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते भी आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है, कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूं। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है। कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है, और वो सच है।
कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुझ बानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनोइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह रहा है कि कनेक्शन बना के रखना है, बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा गलातियों की किताब में 5:17-18 में कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर, कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम योन्ना 15:5 में देखते हैं, कह रहा कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाख लेता हूं तुम डालिया, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग हैं, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाएं तो उसी समय क्या होगा, आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं आज याद रखना, कह रहे परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी देगा। यीशु ने अपनी लाइफ के अंदर करे कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। यीशु ने डील की परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित से कभी उतरने नहीं पाएगी। और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ वो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये यीशु कौन था, सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया, क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली, इसे उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है। प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48:10 में, आलसी है जो व्यक्ति, कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो श्रापित है। कह रहा है कि नहीं बीज डाल देंगे अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के अभी परमेश्वर ने दशमान ठहराया है लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के ज्ञान में बने रहना। एलिशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलिशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो चेले भेज दिए उसने, उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे, याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है, जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, BBSM के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्ग दूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वर्गदूत नहीं, नया स्वर्गदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं। लेकिन आवाज नहीं आती, जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का, यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंभा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, PBSM टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं, घूमते घूमते मोबाइल लेकर आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं।
हैं। तो आज क्या है, कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के, याद रखना। इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है, परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी आशीष है, कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता, आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। देखो यहां पर नमान एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय में पुराने नियम में तख्ती पर लिखा जाता था ऐसे करके, तू नापाक है, और तख्ती पर लिख देता था और वो बोलता चला जाता था, मैं नापाक हूं, दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, क्योंकि कोढ़ी के पास जो आता था उसको कोढ़ लग जाता था, नापाक हूं, नापाक हूं। यीशु मसीह आया और उसने उसकी तख्ती को पलट दिया और उसने कहा तू आज से नापाक नहीं है, ये बोलना स्टार्ट कर। उसने कहा मैं पाक शाक हूं, मैं नापाक नहीं हूं, नापाक नहीं हूं, और उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उसने हो सकता उसने 120 बार बोला मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, और उसने उसके बाद देखा कि वो पाक शाक हो गया। और उसी समय बहुत सारे लोग डर रहे थे उसे कि ये कैसे हो गया पाक शाक, ये कैसे हो गया पाक शाक, आप उसके मुंह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ था। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि परमेश्वर ने जैसे उसकी तख्ती को पलट दिया, आज आपकी आशीषों को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके दुखों को भी पलटने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप डरे और घबराए हुए, आपकी आशीषें पलटेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में, लेकिन पलटवाने के लिए आपको कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है। हम दूसरा राजा 4:10 में देखते कि यहां पर कुलीन स्त्री ने क्या किया जुड़ने के लिए, उसने एक भीतरी कोठड़ी बनाई और अलीशा के लिए बनाई, उसने एक खाट लेकर आई, एक मेज लेकर आई, एक दीवट लेकर आई, एक कुर्सी लेकर आई, मतलब कितनी चीजें उसके लिए लेकर आई। क्यों लेकर आई? क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का जन है और मैं परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगी। क्यों? और क्योंकि वो पैसे वाली थी और उसने कहा कि मैं मदद करूंगी, और उसके पास बच्चा नहीं था कोई, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन इतना अच्छा था, तो उसी समय क्या हो गया 4:16 में हम इसी के देखते कि वहां पर अलीशा ने उसको कहा, कह रहा है कि तूने जो हमारे साथ ये भलाई की है मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि तूने कह रहा है कि मेरे साथ जुड़ा है, नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पास्टर को दान दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता पास्टर का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहां कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। यहां पर देखो क्या लिखा, उसने कहा जा वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा और तू छाती से वो बेटे को लगाएगी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कह रहा हूं कि वो गर्भवती हो गई, कब? करे जब कह रहे कि उसने अपना कनेक्शन जोड़ा। याद रखना, कह रहा कि आज से कई साल पहले उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कब बच्चा हुआ? जब उसने अपने कनेक्शन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूं आज आप प्रोफेटिक मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपका बीज भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, आपकी फास्टिंग करना, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको बिलीव करना है कि आज जहां भी हैं आप, इसी समय परमेश्वर आपको जोड़े रखेगा। लोगों की अनॉइंटिंग बढ़ती है, लोगों के काम बढ़ते हैं। जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनॉइंटिंग को बढ़ाया, मेरे चर्चों को बढ़ाया, रिलीज किया, पावर को रिलीज किया, हर चीज को आशीष दिया। मैं कह रहा हूं फाइनेंस को भी बढ़ाया, परमेश्वर आप बढ़ाता है। जब आप अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो आप प्रभु बोझ लें, प्रभु बोझ मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आप लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है, लेकिन लेते वो है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज आपको जुड़ने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ आज विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे बच्चों का कनेक्शन तेरे साथ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो तुझसे दूर है परमेश्वर प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, जो पवित्र आत्मा मेरे परिवार का जन, कोई भी जन दूर है मेरे पिता, परमेश्वर आज तू इनका कनेक्शन जोड़ दे। कोई भी डिस्कनेक्ट करने वाली गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूं भाग इनके घर से यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय परमेश्वर इनके घरों में इनके हर आशीष खोल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं, और उसी समय एक बड़ा अभिषेक इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय इनकी किस्मत पवित्र आत्मा, जो लोग तकदीर को देखते हैं, जो लोग किस्मतों को देखते हैं, लेकिन जो लोग आज से तेरे वचन को देखेंगे इनके सच में हालात बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी आशीषें पलट जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय मेरे पवित्र आत्मा जी वो पन्ना में आज से फाड़ देता हूं जो इनके दिमाग में, मैं उस कागज को फाड़ देता हूं, उस स्टोरी को फाड़ देता हूं, जो आपकी बैड स्टोरी आज से फाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से गुड न्यूज वाली स्टोरी स्टार्ट हो आज से आपकी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीषें
आज से खुलती चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो और विश्वास करो आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष को खोल रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों को खोले तो इसी समय मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में आप शामिल हो और मेरे साथ कहें, परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैं पवित्र आत्मा जी आज पश्चाताप करके मेरे प्रभु पलटता हूँ तेरी ओर और विश्वास करता हूँ कि तू मेरी आशीषों को पलटेगा, मेरी नामधराई को पलटेगा और परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को तू लेगा पवित्र आत्मा जी, मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरी समस्याएं, मेरी लांतों को तू लेगा परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रभु बोझ के साथ मेरे पिता तेरे साथ जुड़ता हूँ, वचन के साथ सुबह उठकर वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता ऐसे लोग जो इस समय तेरे सामने अंगीकार कर रहे हैं इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, आज से इनकी आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से खुल जाए, आज से खुल जाए यीशु मसीह का नाम, एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारी बहनों को, मैं देख रहा हूं कि रीनू ऐसे आपके, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अभी कि आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं देखता हूँ कोई ऐसे मीनू, कोई कोर्ट केस है खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई रीचा, मैं कह रहा हूँ फौरन की आशीष आपके लिए ऊपर खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि पतरस, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए पवित्र आत्मा एक नया इंतजाम करेगा, नए घर की आशीष को रिलीज करेगा, जहां आप रहते हो वहां से आप और जगह घर में चौड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई हैरी गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा, हरविंदर गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बच्चा है, कोई मैं देख रहा हूँ स्टडी में कमजोर है, और इसी समय स्टडी में ब्लेसिंग खुलने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की ओर देखो और इसी समय ये आशीषें आपके ऊपर आ रही है। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा राजा रबा सना यवर रे 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 रे। परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर, आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से इनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूँ जिन लोगों ने विश्वास किया और इसी समय अंगीकार किया कि हाँ मैं पवित्र आत्मा जी आज से आलसी था, मैं अब आलस नहीं रखूंगा अपनी जिंदगी में कि हम सोते रहते हैं और बार बार पढ़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि परमेश्वर हाँ तू करेगा, मैं उठूंगा, मैं कल बाइबल पढ़ूंगा, कल चर्च आऊंगा, मैं इस बार प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, लेकिन आप बहुत बार छूट जाते हैं, आप रह जाते हैं, इसलिए बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है। इसलिए आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ अपने हाथों को उठाना और कहना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आज से परमेश्वर आप ब्लेसिंग को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम एक छोटी सी गवाही देखते हैं और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में काम हो, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अभी लेकर बैठे जल्दी से। हाँ हाँ, सुनेंगे इस गवाही को। मेरा नाम है विजया, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आपने 28 जुलाई 2023 पे आपने प्रोफेसी की, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है। तीन चीजों में आपको बता रहा हूँ कि आपको पुलिस में, नर्स में, टीचर में आपको वैकेंसियां निकलेंगी और परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए। जैसे ही आपने प्रोफेसी किया तो मैंने रिसीव किया उसे, तो मुझे गवर्नमेंट स्टाफ नर्स की आशीष मिल गई। तो मुझे 3 महीने में फिर जनवरी 28, 2024 पे मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल गई। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष दे, अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और जो लोग इस समय पवित्र आत्मा शाम से और कर्नाटक से, केरला से, परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुझे वाच कर रहे हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर। जो पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हिसार से, जम्मू से इस समय पवित्र आत्मा जी, भारत देश के हर कोने से, यूपी बिहार से इस समय पवित्र आत्मा देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर मैं उनकी ओर हाथ करके आज से अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है और मैं ऐसे महसूस करता हूँ
उन लोगों के ऊपर। अभी जैसे आपने इस गवाही को सुना, पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम किया, मैं आपके ऊपर अनुग्रह देखता हूं। मैं कुछ लोगों के नाम देख रहा हूं, ऐसे कुछ लोगों को देख रहा हूं। एक बहन है और वो मुझे ऐसे यूपी से देख रही है, लेकिन आपने एक नग पहना हुआ अंगूठी में और आप के पास बच्चा नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसको उतारो और विश्वास के साथ अभी इसी समय प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अनॉइंटिंग वाटर अभी अपने हाथ में पकड़ो और इसी समय प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। अनॉइंटिंग वाटर अभी पकड़ो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन को, पवित्र आत्मा जो तुमने मुझे दिखाया, इसी समय परमेश्वर अनॉइंटिंग वाटर जब ये पकड़े, इसी समय परमेश्वर इसके हाथों में पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक आए और पवित्र आत्मा जी इसको बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे कोई नेपाल से मुझे देख रहे हैं और कोई फॉरेन की वीजे की आशीष चाहता है, आपके नाम SRN से और आपको गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई हजिया और इसी समय आपको कोई दूसरी कंट्री में जाना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई इटली से मुझे देख रहा है और उसके कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, इसी समय वो स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, कह रहा है कि दिसंबर तक आपको वेट करना है और आप देखोगे कि इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको दिसंबर में आपको गुड न्यूज मिलेगा, अभी इसी समय वो शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ नवजोत, आपको कोई गुड न्यूज मिल रहा है कार के लिए। मैं देख रहा हूँ NRGS नाम वालों एक नई कार के साथ ब्लेसिंग को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है, वाच कर रहा है और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें रुकी हुई हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन आप जिनके नाम मैंने लिए हैं अभी इसी समय आप गुड न्यूज देखेंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो रही है, फाइनेंस बढ़ेगा। NRGSM नाम वाले मैं उनके लिए गुड न्यूज को देख रहा हूँ, आपकी फाइनेंस की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, कोई यूके से महसूस कर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा जी वो प्रॉब्लम्स इनकी जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से मुझे देख रहा है और इसी समय जिनके नाम मैं ऐसे देखता हूँ कि सिमरन प्रीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ हरजीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। परमिंदर आपको गुड न्यूज मिलेगा फॉरन में, PR की या कोई घर की, ऐसी आशीष रिलीज करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और जिनके नाम SNM और B और G और A से हैं, आप कोर्ट केस से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में और अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। जिनके पति, जिनके परिवार के जन कोई शराब पीते हैं, इसी समय सिर पे हाथ रखो। बच्चा कोई भी शराब पीता है, कोई लड़की शराब पीती है, आप दुखी हैं इस बात से, कोई स्मैक लेता है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई कनाडा से मुझे वाच कर रहा है और इसी समय देख रहा हूँ कि जसविंदर आपके घर में आशीष आ रही है। आप इसी समय ड्रिंक की प्रॉब्लम से छूट रहे हैं, आपकी फैमिलियां छूट रही हैं और इसी समय देख रहा हूँ जे नाम वाले, ए नाम वाले, NRS नाम वाले, आपके घर से शराब खत्म हो रहा है, ड्रिंक का, नशे के शराब पार जाए यीशु मसीह नासरी के नाम, पार जाए यीशु मसीह के नाम, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम। मेरे प्रभु जो बिलीव कर रहे हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय गुड न्यूज मिले। मैं देख रहा हूँ कोई उत्तराखंड से कोई भाई मुझे वाच कर रहा है और इसी समय आप वीजा चाहते हैं USA का, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जिसके नाम H से और S और N से और P से और V से और D से, आपको गुड न्यूज मिलेगा, फॉरन जाने की आशीष मिलेगा, आपके वीजे आ रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है और आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि इसको सागर सागर आप फॉरन का ट्राई करो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। फिर कह रहा हूँ कि सागर आप फॉरन का ट्राई करो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। लेकिन कब कर आप बहुत मायूस हो जाते हो छोटी छोटी बात में, लेकिन आपको बाइबल पढ़ने के बाद आपको 3 बार स्माइल करना है, मेरी तरह दांत दिखाने हैं 3 बार। आपको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हो, आप बाइबल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप कौन सी कंट्री में हो, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना है और 3 बार आपको स्माइल करनी है। जब आप स्माइल करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे, अपने सिर पे हाथ रखें सब और अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल आप अभी 5 मिनट में लेकर बैठे, गवाही सुनेंगे अभी। मैं मनप्रीत साइप्रस से बोल रही हूँ, मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी। पापा जी प्रोफेसी कर रहे सन के M नाम वाले का वीजा लगने जा रहा है। NPR A और Z के से आपको फॉरेन का वीजा मिलेगा यीशु मसीह का। यस आमीन। मैंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रोफेसी को रिसीव किया। मेरी सिस्टर के बेटा कनाडा वीजे नाल ब्लेस हो चुका है।
मैं सारी आदर महिमा प्रभु जीसु जी नु दिनी आ ते पापा जी दा लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आइए हम अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाएं और विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे आशीष देंगे आदि यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज इसी समय मेरे प्रभु अनुग्रह कीजिए और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे। आज पवित्र आत्मा जी पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर, शुगर बाहर और इसी समय टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर इन लोगों के ऊपर और इसी समय एक बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, आंखों की रोशनी बढ़ने पाए। इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, बच्चेदानी के ऊपर से रसोलियां, इसी समय पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, किडनियों में से पथरियां बाहर जाए, किडनी चंगी हो जाए, व्हीलचेयर से खड़े हो जाओ, हर एक शराब टूट जाए आपके ऊपर से। और पवित्र आत्मा जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं कि जिनके नाम GRSMNPK से, आप बेटे की आशीष को देखोगे। मैं 3 महीने बोलता रहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं जिनके नाम A से NG और P और V से और Y से S से, आप एक नई कार के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे अभी आत्मा में देख रहा हूं जिनके नाम B से और इसी समय E और F और G से, एच से, जे से, मैं ऐसे देख रहा हूँ आप कोर्ट केस से छूट रहे हैं और एक नया घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है, आप आशीषित हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों के ऊपर तेरा हाथ आने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मैं फिर कर रहा हूँ, रानी आपको पवित्र आत्मा ब्लेसिंग के लिए खोल रहा है। आप फॉरन में नए नए देशों में अब जाया करेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से अपना पासपोर्ट बनाना है, अगर बना हुआ आप फॉरन में, आप दूसरे देश में जाना चाहते हो तो जाएंगे, आपके लिए गुड न्यूज होगा। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन को आशीषित कर रहा है और इसी समय शराब टूट रहा है कुछ बहनों के ऊपर से जो गर्भ पर है, इसी समय आप आशीष को देखेंगे। सपना, जसप्रीत मैं से देखता हूं, सिमरन मैं देख रहा हूं, कि नवजोत मैं से देख रहा हूं, कि ज्योति मैं देख रहा हूं, कि ऐसे सुनीता, सुमन, रेखा, ममता, आपके गर्भ पर बच्चा आपको महसूस होता है कि नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में और आप आजाद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में और गुड न्यूज मिलेगी अब से यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ऐसी आशीषों को खोल रहा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैंने देखा अभी बहुत सारे लोगों ने जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा, अब इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी इनके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पर आशीष दे, जो मुझे पाकिस्तान से, इस समय नेपाल से, दोहा कतर से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा, इटली, जर्मनी से और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता फिजी से जो इस समय देख रहे हैं, USA से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से जो मुझे देख रहा है इस समय, मुंबई से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है भाई, और आपके ऊपर 1 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया और आप बड़ी टेंशन में हो, आप बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, आप बार बार कह रहे हो कि मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया और वो छूट नहीं पा रहे आप उस कर्जे से, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आज मेरी प्रार्थना से आप आजाद हो रहे हो और आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर, जिनके ऊपर कर्जे, अपने सिर पर हाथ रखो और ब्लेसिंग देखोगे आप। मेरी बात पर विश्वास करना है, मैं सिर्फ आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, और मैंने कहा था कि अभी इसी समय आप एक प्लेन पेपर लें और उस पर एक पेन से एक घर बनाएं, जैसे मैं अभी पेन दे सपना मुझे, जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखा रहा हूं अभी आपको, आपको जल्दी से ऐसे करना है। देखो आपको अपने घर को बनाना है ऐसे करके, और कोई भी आप ऐसे नक्शा बनाओ, सिर्फ नक्शा, और नक्शा बनाने के बाद आपको उसमें घर में नाम लिखना है, किसके नाम प्रॉपर्टी करानी है। मैं ज़्यादातर आपको सलाह दूंगा अपनी पत्नी का नाम कराओ, क्योंकि बाद में फिर लफड़ा रहता है, आदमी छोड़ देता है तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको अपनी पत्नी का नाम, बच्चों के नाम, ऐसे कुछ आप नाम लिखकर आप एक बनाओ। मेरी बात पर बिलीव करना, आपके पास एक घर है दो हो जाएंगे, आपके पास नहीं है आपको घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, या आप एक दुकान का नक्शा बना सकते हैं, वहां पर लिखना है घर दुकान यीशु मसीह के नाम से मिल जाए, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है और ऐसे ऑयल लगाओ और मैं और उसको ऑयल पर ऐसे क्रूस का निशान लगाओ। अभी इसी समय गवाहियां आई मेरे पास, बहुत सारी गवाहियां आई है मेरे पास, टेस्ट मनी आई है जिन लोगों की मैंने अपॉइंटमेंट किया था, और आप अभी गुड न्यूज को देखेंगे और इसी समय लगाओ। मैं सिर्फ 1 सेकंड दे रहा हूं आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा।
पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु घर का नक्शा बनाया, नाम लिखा है किसके नाम प्रॉपर्टी कराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी इनके बैंक में पैसा नहीं है, इनके पास लोन लेने की ताकत नहीं है, इनके पास कोई कारोबार नहीं है, इनके पास घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, परमेश्वर जो स्क्रीन के सामने करके बैठे इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं इनके अकाउंट्स में मिराकल मनी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम, और ये मकान इनके रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम, स्वर्ग से बनने पाए पवित्र आत्मा जी, बनने पाए यीशु मसीह के नाम, पाकिस्तान में इसी समय ये ब्लेसिंग आने पाए, इंडिया में ब्लेसिंग आने पाए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, इसी समय पवित्र आत्मा यूएसए में, इटली में, जर्मनी में, और इसी समय यूके में पवित्र आत्मा जी, फिजी में मेरे पिता परमेश्वर जो दुबई से, दुआ कतर से इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, सऊदी से इसी समय जहां से भी देख रहे हैं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं, और इसी समय हाथ रखकर भविष्यवाणी करता हूं अगले 52 डेज और 2023 इनका यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आपको ये मेरी प्रार्थना से आपको गुड न्यूज मिलेगा और पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। मैंने ऐसे देखा भी इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम ऐसे जेड से और एस से हैं और उनके कोई लोन में कोई कमी या कोई पैसे में कोई कमी हो रही, आज से बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में, आज से फाइनेंस बढ़ेगा, आपको ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे सच में पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम कर दिया। मैं ऐसे देखता हूँ किसी नीतू को, और नीतू मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, आप ट्राई करो, आप कितने कहीं पर भी हो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इतने गवाही देखें। मेरा नाम पूनम है और मैं पहेवे की रहने वाली हूँ, और मेरी गवाही ये है भविष्यवाणी की, इसके बच्चे दानी में कोई प्रॉब्लम है और जिससे मेरी रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। तो जैसे ही मैंने रिसीव किया मेरी गिल्टियां निकली और मैं पूरी तरह आजाद हो चुकी हूँ, और सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और आपको देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आपको बिलीव करना है आज आप कैसी भी हालत में हो आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, और इसी समय यूरिक एसिड बाहर, थायराइड बाहर, और इसी समय हर एक शराब से आजाद हो जाओ। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम, पवित्र आत्मा इन्हें छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर इनके जीवनों में आज से आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं ऐसे उषा, मैं कह रहा हूं तेरे घर में कुछ लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चिंता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है, आपके घर से उस क्लेश को खत्म कर रहा है। मैं देख रहा हूं उमेश, आप बिजनेस में कोई कामयाब नहीं हो रहे और इसी समय परमेश्वर आपको बिजनेस में कोई बढ़ोतरी देगा। मैं देख रहा हूं कि राकेश आप घर कहीं और बनाएंगे, आपको परमेश्वर एक नया देश, नया घर, नया शहर आपके लिए ब्लेसिंग के लिए खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे के एक, मैं देख रहा हूँ भट्टी फैमिली को, और मैं देख रहा हूँ सैमसन फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ गिल फैमिली, और मैं ऐसे देखता हूँ किसी को शुबान फैमिली, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, स्पिरिट में देख रहा हूँ एडविन फैमिली, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ इन फैमिलियों को, रंधावा फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप बिलीव करो कि आपके ऊपर जो भी कर्जा, जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी उससे आप छूट रहे हैं। आज से दो एंजल आपके घर में हेल्प करने के लिए जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये तीसरा महीना आपके लिए गुड न्यूज का होगा और आपका फाइनेंस बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने दशमांश को रेगुलर भेजना है। मैं कह रहा हूँ आपको दशमांश रेगुलर देना है प्रभु को, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स था, अब से आपके काम खुलेंगे और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, और उस बहन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। आप जैसे ही 3 दिन लगातार बीज बोएंगे आपके रिश्ते के लिए ब्लेसिंग परमेश्वर खोलेगा और आपको गुड न्यूज मिलेगा। आइए हम इतने गवाही सुनते हैं, पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ, मैं फालका से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे 2 साल से पथरियाँ थी, और मैं वीरवार को पापा जी की लाइव मीटिंग देख रहा था, और उस लाइव मीटिंग में पापा जी बोल रहे थे कि जिनके पथरियाँ हैं, जिनके स्टोन है, वो धुआं बनके उड़ने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं, किसी को पथरी है, रसोली है, शुगर है, टाइफाइड है, यूरिक एसिड, थायराइड, बवासीर, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम। और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और सारी जो मेरी पथरी थी वो धुआं बनकर उड़ चुकी है। मैं सारा जलाल आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको भी आजाद करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पथरियां, रसोलियां, गांठें, गिल्टियां, यूरिक एसिड इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिसके बाल कोई झड़ रहे हैं अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय परमेश्वर बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बवासीर के शराब टूट जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए,
जाए और इसी समय कोमा में से बाहर आ जाओ मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूं कैसे किसी को, कोई मुझे महाराष्ट्र से बहन देख रही है और नागपुर से, कोई ऐसे एमपी से और एपी से ऐसे बहनें कुछ मुझे देख रही हैं और आपके पास बच्चा नहीं है। मैंने अभी एक दर्शन देखा कि आप बच्चा खिला रही हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा, लेकिन आपको गवाही देना है, आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए आऊँगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपके नाम GRSMNPK में से हैं और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको बेटे की आशीष मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि माया, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक नई नई आशीषें आज से स्टार्ट हो रही हैं। वैसे देख रहा हूँ बीना, आपकी प्रॉपर्टी, कोई जगह, कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसे आप फंसे हुए हैं इस चीज़ों में, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई जेड से नाम है और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हो सकता है पाकिस्तान से है, यूके से है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आपको माइंड पर कुछ प्रॉब्लम रहता है और उसी समय ड्रिंक करने की आदत रहती है, डिप्रेशन में रहते हो आप, ड्रिंक करने की ऐसी आदत रहती है और उसी समय बहुत सारा आपको अंदर से प्रॉब्लम रहता है और आप गुस्से में आ जाते हो, कोई कोर्ट केस भी ऐसा हो रखा है, शायद आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर आपको उन बैड ड्रीम से, उन बैड विचारों से आज बचाने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं ऐसे नाम देखता हूँ, कोई जकरीन जेफी, आपको आपको आने वाले समय में जरीना, ऐसे कुछ नाम देख रहा हूँ अलग अलग। आप मुझे एक जरीना बहन भी मुझे देख रही है, जेड से आपका नाम, और आपके आपके मैं ऐसे देखता हूँ उन लोगों को। अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको हर समस्या से आजाद करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है मेरी बात पर। अगर आप विश्वास करते हैं, अय्यूब का एक पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, एक से लेकर दस तक पढ़ना है, पहला अध्याय एक से लेकर दस तक याद रखना। आपको पढ़ने के बाद उसमें पता लगेगा कि उसने अपने बच्चों के लिए एक भेंट चढ़ाई और परमेश्वर के सामने कमिटमेंट किया। आपको कमिटमेंट करना है और भेंट चढ़ाना है, अपने भेंट, अपने तीन दिन आपको फास्टिंग करना है और तीन दिन आपने, जिसके नाम जेड से मैं खासकर बोल रहा हूँ, NRSMP से और के से और मैं देख रहा हूँ जी और जे से, आपको तीन दिन फास्टिंग करके अपने बीज को अपने हाथ में पकड़ना है और एक भेंट आपको परमेश्वर के सामने चढ़ानी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ये करने के बाद आप जैसी भी प्रॉब्लम्स में हो आप आज़ाद होंगे। ये प्रभु की ओर से मैसेज है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनके नाम मैंने अभी बोले हैं और जिनके स्पेलिंग अभी बोले हैं। आपको ये समस्या है और आप इसी समय समस्या से छूट जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी। आप करके देखो, आप विश्वास करो, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा करो। यीशु मसीह बोलता है जैसा तू कहता है जैसा तू करता है जा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए। सूबेदार को बोला जा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए। ये मेरा विश्वास है कि मुझे प्रभु ने बोला है। आपको विश्वास करना है या नहीं करना है या मेरे बारे में गलत सोचना है, मैं पैसे मांगने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको सिर्फ क्लियर बोल रहा हूं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है आप बो कर देखो, लेकिन जहां पर आपको अनॉइंटिंग प्लेस लगता है, उपजाऊ भूमि में जब आप बोते हैं तो वहां फल आता है। आप बंजर भूमि में बो रहे थे इसलिए फल नहीं आ रहा था। आपको बोना है, आपको करना है, आपको ये प्रे करनी है। अय्यूब एक चैप्टर एक से लेकर आठ तक, जिनको ड्रिंक करने की आदत है, बैड ड्रीम्स आते हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस है, कोई कर जाए, आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद तीन दिन आपने फास्टिंग करना है। प्लीज किसी भी तरीके से करो, ड्रिंक नहीं छूटती, आप अपने बच्चों के लिए प्लीज तीन दिन करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि मुझे प्रभु बोल रहा है आप तीन दिन रिक्वेस्ट मेरी मानो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी मानो, क्योंकि मुझे प्रभु बोल रहा है आप तीन दिन ऐसा करो कि आप तीन दिन करोगे जिनके नाम मैंने बताया GJSNRPK जेड से और वी से एफ से एम से एन से। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि आपको करना है, आपको करना है, आप फॉरेन में हो कहीं पे भी हो, आप भूल जाओगे, आप कहोगे कि वाकई होली स्पिरिट ने हमें प्रॉफिट जी के द्वारा सही गाइड किया था। मैं कह रहा हूँ आप बेशक मुझे यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, फॉरेन से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन आपको पंजाब से देख रहे हैं, खासकर मेरे को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं प्रभु कि आपको बिलीव करना है कि आपकी समस्या ये हट जाएगी। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, मैं अंदर से बोल रहा हूँ लेकिन मुझे अंदर से एक रोना आ रहा है आपके लिए कि मैं आपके लिए एक बोझ के साथ एक दुआ करूँ और इसी समय आपको कवरिंग मिलेगी मेरी दुआ से। समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तुम मुझे अंदर से तोड़ रहा है और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए दुआ करने के लिए बोल रहा है। मेरे पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर जो डिप्रेशन के शिकार हैं पवित्र आत्मा जी, जो रात को सो नहीं पाते परमेश्वर, जो लोग इस समय ड्रीम्स में उल्टे सुलटे पवित्र आत्मा विचार देखते हैं, जो लोग शैतानी हरकतें देख रहे हैं परमेश्वर, गंदे ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे पिता, जिनके बच्चे परमेश्वर प्रॉब्लम्स में, जो लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा माइंड पर,
परमेश्वर, जो लोग इस समय दुखी हैं परमेश्वर, उनका घर का सब कुछ बिक गया पवित्र आत्मा जी, कर्जे में है पवित्र आत्मा जी, तू मुझे तोड़ रहा है पवित्र आत्मा। मैं ऐसे लोगों के लिए विनतियां कर रहा हूं परमेश्वर तेरे सामने हाथ जोड़ करके, मेरे प्रभु तूने अय्यूब को कहा कि जब तक तू अपने लोगों के लिए दुआ नहीं करेगा, और इस समय पवित्र आत्मा मैं तेरे सामने दुआ करता हूं परमेश्वर, जैसे अय्यूब को तूने कहा तब तक मैं उनके बंधन नहीं तोड़ूंगा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के बंधन तोड़ और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए, और इसी समय परमेश्वर इनकी आशीष से खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐ गंदी स्पिरिट मैं तुझे डांटता हूं भट 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 इन लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, और आज से अपने फाइनेंस को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। आज से ड्रीम्स में से बैड ड्रीम से आजाद हो जाएं, आज से इसी समय डिप्रेशन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आज से कर्जे गंदी आत्मा से मैं इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आज से इनका ड्रिंक का नशा छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे आजाद होने पाए, इनके शरीर में से हर पेन दर्द भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ। आमीन बोलकर फ्री हो जाओ आज। ये मेरी प्रार्थना से आपको गुड न्यूज मिलेगी, ये मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता, मुझे पवित्र आत्मा बुलवा रहा था और मैं आपके लिए बोल रहा था, आप आशीषों को देखोगे। आइए हम इतने एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, गवाही सुने। मेरा नाम रमेश है, मैं फाजिलका तो गल कर रहा हूँ जी। तो मेरी सब तो वड्डी टेस्ट मैंने ये है जी, मेरे पिट के पिछे दो गिल्टियां सी जी, मैं बहुत इलाज कराया, एंटीवायरल तेल लगाया, और मेरी गिल्टियां 31 दिसंबर में पापा जी प्रोसेस ही कर रहे थे। पेट में प्रॉब्लम है, रसोलियां गिल्टी हैं, किसी की ब्रेस्ट में रसोलियां गिल्टी हैं, थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय बाहर जाए। मैं उस तरह हसया ते मेरी जड़ी गिल्टियां नु धुआं बन के उड़ गईयां। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह देंदा हां जी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। जो लोगों के पास अपने पासपोर्ट है, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने एटीएम्स आप लेकर बैठे, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज से इसी समय इनके बैंक अकाउंट्स में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराकल मनी होने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके घर परिवार पर आशीष स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, और जिनके एडियो में दर्द है इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, जिनकी शादी और इनकी शादियां होने पाए, जिनके बच्चों को इस समय पवित्र आत्मा को नौकरी नहीं है, इनको नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देख रहा हूं कोई यूपी से मुझे देख रहे हैं जिनके नाम ऐसे, मैं देख रहा हूं कोई सुशील और सुरेश, मैं देख रहा हूं काला, और ऐसे मैं आत्मा देख रहा हूं सुनीता, सुमन, मैं देख रहा हूं कि कोई आपके घर में बच्चे की खुशी मिलेगी, और कोई नया घर आप बनाएंगे, आपके लिए गुड न्यूज आएगा। मैं खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो यूपी में जो लोग प्रभु को जानते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता मैं खासकर उनको बता रहा हूँ, जो लोग चंडीगढ़ के नज़दीक रहते हैं, हिमाचल वाले, पंजाब वाले और दिल्ली वाले, और इसी समय फरीदाबाद, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, बिहार, उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ क्योंकि आप नज़दीक हैं। जकरयाह की पुस्तक में लिखा, जब तक कह रहे हैं कि कोई भी जन, कह रहे हैं किसी देश का भी, चाहे वो प्रभु को मानता है या नहीं मानता है, जब तक वो अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं आएगा तब तक वो जो है उसके ऊपर से आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसलिए आपके काम बंधे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार विजिट करके देखो, जिनके पास 10 साल 15 साल 20 साल बच्चा नहीं, आप गुड न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आ सकते हैं, आप बेटे की आशीष आपको मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आशीष नहीं है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि एक बार विजिट करो, परमेश्वर आपके कामों को खोलना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। जैसे ही आप एक बार विजिट करेंगे आपके काम खुलेंगे। आज से अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इतने गवाही सुनेंगे, एक पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ। मेरा नाम खुशबू है, मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 2 साल से बच्चेदानी में पानी वाली गांठ थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, मेरे बच्चेदानी में स्वेलिंग रहती थी, और 2 बार मैंने बच्चा कंसीव किया और मेरा मिस गैरेज हो गया। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ कराई पर मुझे कहीं से भी आराम ना हुआ। मैंने फिर से रिपोर्ट कराई और डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में पानी वाली गांठ है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार ख़राब हो जाता है। फिर मैं एक दिन पापा का लाइव अटेंड कर रही थी, जिसमें पापा जी बोल रहे थे कि आप ऐसी भेंट को बो जिससे आपको दर्द हो। फिर हमने 18 दिसंबर को परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्मरण किया और मुझे नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है।
21 फरवरी को मेरी सिस्ट, मेरी जो पानी वाली गांठ थी वो निकल चुकी है और मैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लस हो चुकी हूँ। मैं सारा आदर और महिमा परमेश्वर परमेश्वर के दास को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के। जैसे इसने प्रेयर कराई, परमेश्वर ने जाद कर दिया। मैं उन लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि अगर आज आप घटी में किसी परेशानी में किसी समस्या में हैं, आप आजाद होंगे इसी समय। तो पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तू छू ले और ब्लेस कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कुछ लोगों को, किसी के मम्मी डैडी में से कोई प्रॉब्लम है और उसको पाइप लगा हुआ और वो हॉस्पिटल में है और आप मुझे देख रहे हैं इसी समय। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका जन जो हॉस्पिटल में है इसी समय उसको छुट्टी मिल रही है, 7 दिन के अंदर वो आजाद हो रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई कपड़े की दुकान करता हो और आपको घाटा पड़ गया, आपने कोई फैक्ट्री खोली या कोई दुकान खोली आपको घाटा पड़ गया, आपका नाम GRSM में से है। मैं इसी समय देखता हूँ कि आपको गुड न्यूज मिल रही है, फिर से आपका पलट रहा है परमेश्वर काम। आज रात से आपको गुड न्यूज मिलेगा। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। ऐसे देख रहा हूँ गौतम, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक नया बिजनेस, नई दुकान की आशीष परमेश्वर दे रहा है। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, प्रभु आपको देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, बाहर रहते हो, कुछ करते हो, लेकिन आपके ऊपर आशीष जो है, कई लोगों को पता नहीं होता कि उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है, किसी बिजनेस के ऊपर ठहराया होता है किसी को। देखो मैं बहुत बिजनेस करता था, बहुत मैंने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब किया मैंने, नागपुर में मैंने फौज की नौकरी किया। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने देखा सब कुछ किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया हुआ था